तो गाइस पिछले 24 घंटों में WWE की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्या कोडी रोड एक बार फिर से अपना टाइटल यहाँ पर हारने वाले हैं रसोमीना के पहले ही? उसके बाद गाइस क्या सच में यहाँ पर पॉल हिमन रोमेज को धोखा देंगे यहाँ पर जब रिटर्न होगा उनका? तो गाइस यहाँ पर रेसलिंग करने के बाद इन तीनों में से आखिर कौन बना सबसे बढ़िया एक्टर, आइए देखते हैं इस वीडियो में। उसके बाद क्या आपको पता है धीरा जब WWE में पहली बार फाइट कर रहे हो तो आखिर उनका सैलरी कितना था और कितना है इस समय? उसके बाद गाइस यहाँ पर रिया रेपली ने आखिर क्या जवाब दिया बैड मैथ्यू को जब एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं रिया रेपली और जे उसो? तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉल हिमन को लेकर। पॉल हिमन के बारे में इस समय ऐसा बताया जा रहा है कि जब पॉल हिमन का रिटर्न होगा इस स्मैकडाउन पर तो और पॉल हिमन एक नए क्लाइंट के साथ रिटर्न करने वाले हैं। हालांकि गाइस अभी इस पर कोई भी रिवील नहीं हुआ है कि आखिर पॉल हिमन किसके साथ यहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं और कब रिटर्न करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब तक के सबसे बड़ा रूमर्स के बारे में कि कोडी रोड इस बार रसोमेनिया के पहले ही अपना टाइटल लूज करने वाले हैं। वैसे गाइस आपको क्या लगता है आखिर वो कौन सा रेसलर होगा जो यहाँ पर कोडी रोड को डीथ्रोन करेगा और इनके टाइटल को रिटेन करेगा एक बार फिर से? तो गाइस यहाँ पर डी रॉक बता रहे हैं वो WWE में पहली बार यहाँ पर फाइट कर रहे होते तो उनका सैलरी उस समय $125,000 था पर साल का। इसके बाद जब यहाँ पर डी रॉक को पता चला कि स्टोन कोल्ड का सैलरी $1 मिलियन है तो डी रॉक यहाँ पर जाने के बाद विंस मैकमैन से झगड़ा कर लेते हैं और बोलते हैं कि उनका एक फाइट हो जाए यहाँ पर स्टोन कोल्ड के साथ। गाइस सच में इस मैच के बाद यहाँ पर डी रॉक का सैलरी बढ़ जाता है करीबन $1 मिलियन। तो गाइस ये तीन WWE के ऐसे रेसलर थे जहाँ पर WWE से रिटायर्ड होने के बाद ये चले गए यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में। इनमें से डी रॉक वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक है, उसके बाद बैटिस्टा है, फिर उसके बाद लास्ट में नंबर 3 पे आते हैं जॉन सीना। तो गाइस स्मैकडाउन 3 घंटे से लाइव होगा जब यहाँ पर न्यू ईयर स्टार्ट होगा 2025 से। तो उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर सैम रॉक को लेकर। सैम रॉक एक बार फिर से WWE के लिए न्यू साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। तो गाइस फाइनली रिया रेपली ने अपने हस्बैंड पर जवाब देते हुए बताया कि वो यहाँ पर केवल बिजनेस रिलेशनशिप है इनका। रिया रेपली के हस्बैंड यानी कि बैड मैथ्यू जब यहाँ पर रिया रेपली से पूछते हैं तो रिया रेपली ने साफ ये जवाब देते हुए बताया कि केवल बिजनेस रिलेशनशिप है इन दोनों का और इससे ज्यादा कुछ नहीं है बस। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं NXT के व्यूअरशिप से। तो इस बार का जो NXT का व्यूअरशिप था वो यहाँ पर 67,07,000 था। वैसे गाइस अगर कंपेयर करें पिछले NXT के व्यूअरशिप से तो पिछले NXT के व्यूअरशिप से कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी है इस बार का। पिछले टाइम का जो व्यूअरशिप था NXT का वो था यहाँ पर 62,08,000 के लगभग। उसके बाद अगला आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मैकडाउन नेटफ्लिक्स के बारे में। वैसे तो आप इसके बारे में जानते होंगे कि नेटफ्लिक्स पर यहाँ पर अगले स्मैकडाउन जो 2025 से लाइव होगा वो यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट लुचा ब्रोस ने एक बार फिर से WWE के लिए साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं दोनों भाई एक साथ मिलकर। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर चार्लेट प्लेयर को लेकर। चार्लेट प्लेयर के एक फैंस ने उनको यहाँ पर एक लेटर दिया था, उसने उन्होंने यहाँ पर काफी तारीफ किया चार्लेट प्लेयर के बारे में और उन्होंने ये भी बताया कि उनका वो काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं WWE में एक बार फिर से रिटर्न के लिए। और तभी गाइस यहाँ पर चार्लेट प्लेयर बताते हैं कि वो भी यहाँ पर काफी जल्द ही रिटर्न करने वाली हैं। वैसे गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है अल्बर्टो को लेकर। अल्बर्टो के बारे में इस समय ऐसा बताया जा रहा है कि अल्बर्टो एक बार फिर से रिटर्न कर सकते हैं WWE में अपना ड्रीम मैच फाइट करने के लिए। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट रूमर यहाँ पर सीमस को लेकर। सीमस के बारे में इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इनका न्यू साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट था उसे WWE ने लॉक कर दिया है। उसके बाद गाइस आज का लास्ट और फाइनल अपडेट यहाँ पर जेफ हार्डी को लेकर। आप देख सकते हैं जेफ हार्डी ने किस प्रकार यहाँ पर ब्रे वाइट का मास्क पहना हुआ है। जेफ हार्डी जब अपना TNA में रेसलिंग कर रहे होते हैं तो किस प्रकार का मास्क पहने हुए आप देख सकते हैं उनको। तो गाइस यही आज के सारे न्यूज अपडेट और रूमर्स जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।